हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर बटर मसाला। ये बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी के साथ बनाया गया है। हमें यकीन है आप जब भी इसे बनाएंगे लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इसे बनाया है हमारे ग्रुप की बहुत ही टैलेंटेड होम शेफ़ बिन्नी कालरा जी ने। तो चलिए जानते हैं हम उनसे इसे कैसे बनाया जाता है। इसके सभी इन्ग्रीडियंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम गैस जला के उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद उसमें टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए हैं उनको डालेंगे और उसको मिक्स हल्का हल्का लगातार हिलाते रहेंगे। 2 मिनट बाद इसमें दो तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालें, 4-5 छोटी इलायची डालें और इसको मिक्स करें। इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं और टमाटर के पल्पी होने तक उसको भूनें। थोड़ा सा पल्पी होने के बाद उसमें स्वादानुसार लाल मिर्च डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें और 1/2 कप काजू का पेस्ट जो मैंने पहले बना के रखा है उसको इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करें। 2-3 मिनट तक भूनें। 2-3 मिनट बाद गैस बंद कर दें और मिक्सचर को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मिक्सर को मिक्सी के जार में डालकर पीसे। एक दूसरी पैन में 3 बड़े चम्मच गरम करके मक्खन पिघलाएं। आप अमूल बटर भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो साल्टेड हो चाहे वो अनसाल्टेड हो। मक्खन पिघलने के बाद उसमें ब्लेंड किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च और हरी इलायची का पाउडर पेस्ट डालें। पेस्ट डालकर उसको 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनें। 3-4 मिनट के बाद इसमें 3 बड़े चम्मच क्रीम डालें। आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अमूल की क्रीम भी, अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करें। उसके बाद कसूरी मेथी 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप और ज्यादा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच कसूरी मेथी डालें, 1 चम्मच शहद डालें। अच्छे से मिक्स करें। एक दो मिनट भूनें। फिर इसमें आप 200 ग्राम पनीर जो कि मैंने पहले टुकड़ों में काट के रखा है उसको डाल दें। हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि पनीर टूटे नहीं, क्योंकि कच्चा पनीर है तो वो टूट सकता है। हल्के हाथों से उसको मिक्स करें। बस आपका पनीर बटर मसाला तैयार है। इसे गर्मा गर्म
लच्छा परांठा के साथ या तंदूरी परांठे के साथ परोसे। आप ये पनीर बटर मसाला व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने लहसुन का प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।